सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीड को डेट का प्रोग्राम लिखेंगे, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करने का प्रोग्राम। यहाँ सबसे पहले कुछ एग्जांपल से समझेंगे और जो उसका बेसिक रूल्स बताया गया है, जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से हमको प्रोग्राम करना है। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे 42 एक स्ट्रिंग है, इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल 42 को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ और बेसिक रूल ध्यान रखना है, हम किसी इंटीजर फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ देख सकते हैं 42 -42 है और सामने काफ़ी स्पेस है, तो हमें स्पेस को इग्नोर करके जो नंबर है उनको अलग करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर साइन है, प्लस साइन, माइनस साइन है, तो उसको भी हमें देना है। जैसे यहाँ -42 है तो हम यहाँ -42 लिया है। तीसरा कंडीशन है क्या, जब नंबर हो, स्टार्टिंग से नंबर हो और जैसे ही कैरेक्टर आए वहाँ से ब्रेक कर देना है, यानी 4193 मेरा नंबर है तो उसको हम अलग करके एक इंटीजर में आउटपुट ले आए। एक और कंडीशन क्या है, नंबर मेरा 32 बिट रेंज में रहना चाहिए। अगर 32 बिट रेंज में प्लस माइनस में जो रेंज है उसी में रहना चाहिए, उससे बाहर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे 32 बिट माइनस में अगर -2^31 से कम होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आउटपुट को -2^31 ही रखेंगे। अगर 2^31 -1 से ज़्यादा होता है तो आउटपुट हम क्या करेंगे, सिंपल 2^31 -1 रखेंगे। अब आते हैं कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, जो भी नंबर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, चाहे ए टू जेड कैरेक्टर होता है, सभी का एक ASCII वैल्यू होता है। वैसे ही 0 का ASCII वैल्यू होता है 48, 1 का ASCII वैल्यू होता है 49, 2 का ASCII वैल्यू होता है 50, 3 का ASCII वैल्यू होता है 51। तो हम क्या करेंगे, ASCII वैल्यू का यूज करके नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 51 मेरा ASCII वैल्यू है किसका, 3 का। इसमें से अगर हम 0 के ASCII वैल्यू यानी 48 को माइनस करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह हम क्या किए हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। प्रोग्राम बनाने से पहले हम सोचेंगे कैसे हम प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्पेस को हटाना होगा, उसके बाद जो भी मेरा साइन है, प्लस है या माइनस है, उसको सेपरेट करना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर को जो भी है उनको अलग करना है और फिर चेक करना हमें नंबर मेरा 32 बिट रेंज में है या नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्पेस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, str इक्वल टू हम कर देते हैं माइनस, पहले स्पेस दे देते हैं -345। हेलो, स्पेस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे, वो होगा आपका प्रिंट str। पहले हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, ये सिंपल आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में स्पेस है। अब हम फंक्शन जो यूज करेंगे वो इस तरह होगा, str इक्वल टू str.lstrip। इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो भी मेरा वाइट स्पेस है वो मेरा रिमूव हो गया, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। तो एक मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, अब आएंगे जो मेरा साइन है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, def my str को हम वेरिएबल पास कर दिए। अब क्या करेंगे, हम वाइट स्पेस हटाने का, हम जो देखे थे वाइट स्पेस हटा दिए। अब क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले तो चेक करेंगे स्ट्रिंग में मेरा कोई कंटेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो रिटर्न 0, इफ नॉट str, अगर नहीं है कुछ स्ट्रिंग में तो रिटर्न कर दो आप 0। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, हम साइन इक्वल टू क्या कर देते हैं, हम 1, और एक रिजल्ट वेरिएबल दे देते हैं इक्वल टू, इसको भी हम कर देते हैं 0, 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे प्लस और माइनस को, और i इन रेंज लेन, किसका लेंथ, तो लेंथ आपका हो जाएगा str का, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेंगे। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंपल कंडीशन लगाएंगे। पहले तो हम चेक करेंगे मेरा फर्स्ट कैरेक्टर प्लस है या माइनस है या नहीं, इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ str i इक्वल टू
अगर प्लस हो, प्लस है, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, सिंपल, जैसे अगर प्लस है और यूजर ने सिर्फ प्लस ही इनपुट किया, यानी सिंगल प्लस का साइन ही इनपुट है और कोई नंबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक चेकिंग लगा देते हैं हम, इफ लेन str इक्वल टू, अगर वन है यानी सिंगल प्लस कैरेक्टर है तो रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दो जीरो। क्लियर? अब क्या किया हम, प्लस का चेक कर लिए, अब प्लस अगर है तो मेरा साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस ही रह जाएगा, माइनस है तो उस कंडीशन में फिर से हमें चेक करना होगा, तो एल्स इफ str i इक्वल टू अगर माइनस हो, माइनस अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो, फिर चेक करेंगे हम सिर्फ माइनस साइन है या उससे ज्यादा मेरा कैरेक्टर है, अगर माइनस साइन है तो रिटर्न जीरो करेंगे, तो लेन str इक्वल टू अगर वन हो उस कंडीशन में फिर से आप क्या करो, रिटर्न कर दो जीरो, जीरो रिटर्न करो, अगर माइनस मेरा वन नहीं है, माइनस साइन है, तो एक चीज और हमें क्या करना होगा, माइनस साइन है और सिंगल कैरेक्टर नहीं है तो उस समय हम क्या करेंगे, एल्स सिंगल कैरेक्टर अगर नहीं है तो साइन को चेंज करो, साइन इक्वल टू कर दो माइनस वन। क्लियर हो गया? एल्स इफ, अब क्या करेंगे हम, चेक करेंगे मेरा जो यूजर इनपुट कर रहा है वो मेरा डिजिट नहीं हो के, अगर कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर है तो ब्रेक करना है और डिजिट है तो फिर हम आगे के कंडीशन में जाएंगे, तो इफ नॉट एस टी आर आई डॉट इज डिजिट, इज डिजिट अगर है तो, नहीं है तो सिंपल क्या करो, आप ब्रेक कर दो, एल्स अगर डिजिट है तब क्या करना है आपको, तो रिजल्ट इक्वल टू कर दो रिजल्ट इनटू 10, इसको भी समझेंगे किस लिए हम 10 किए हैं, प्लस क्या करेंगे हम ओ आर डी, हम क्या करेंगे एस टी वैल्यू निकालेंगे किसका, तो जो मेरा कैरेक्टर है उसका, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा मेरा एस टी आर आई, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ओ आर डी एस टी आर सॉरी जीरो के एस की वैल्यू को माइनस कर दिए। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, सिंपल मेरा आउटपुट जब फाइनल हो जाएगा तो उस समय हम साइन चेक करेंगे, प्लस या माइनस है तो माइनस अगर होता है तो सिंपल क्या करेंगे हम, रिजल्ट इक्वल टू कर देंगे रिजल्ट इनटू साइन, प्लस होगा तो प्लस साइन रह जाएगा और माइनस होगा तो माइनस मेरा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेंज चेक करना है, रेंज में है या नहीं, 32 बिट रेंज में, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ रिजल्ट ग्रेटर देन 2 to the power 31 माइनस 1 अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो, आप रिटर्न करो 2 to the power 31 माइनस 1, एल्स इफ अगर माइनस रेंज से बाहर अगर जा रहा है तब चेक करेंगे इफ रिजल्ट लेस देन इक्वल टू -2 to the power 31 अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो, आप रिटर्न कर दो -2 to the power 31, एल्स अगर रेंज में है मेरा तो सिंपल रिटर्न करो आप रिजल्ट को, सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन को प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं myetuiSTR माइनस मेरा आ रहा है 3, 4, 5 जो मेरा था अलग कर दिया, हम यहाँ माइनस के साइन को अलग कर देते हैं और यहाँ हम क्या कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं नंबर को। अब जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिए मेरा टोटल नंबर आ रहा है प्लस में, तो यहाँ हम सिंपल
कुछ चीजें हमें समझना होगा, जैसे ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, इसको आप क्लियर समझ लीजिए, इसको मैं यहां ले आता हूं तब समझ में आएगा आपको। रिजल्ट इक्वल टू क्या है मेरा, रिजल्ट इनटू 10 माइनस सॉरी प्लस ओआरडी एसटीआरआई, यानी जो मेरा कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर है, जो नंबर है वो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा, उसमें से माइनस करेंगे जीरो के एस की वैल्यू को। तो यहां समझिए फर्स्ट कैरेक्टर अगर मेरा रीड करता है 4, तो 4 का मेरा क्या है एस की वैल्यू है 52 में से हम जीरो के एस की वैल्यू यानी 48 को माइनस करते हैं, उस कंडीशन में मेरा क्या आता है 4। तो इस तरह मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब रिजल्ट वाला कैलकुलेशन समझते हैं। रिजल्ट वाला कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम मेरा क्या था जीरो था, जीरो इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस में क्या हो जाएगा जो मेरा एस की वैल्यू से माइनस करके आएगा। फर्स्ट टाइम मेरा क्या है 4 का एस की वैल्यू आया मेरा 52, माइनस किए जीरो के एस की वैल्यू यानी 48, तो मेरा क्या आ गया 4, तो इक्वल टू आ गया 4। फिर क्या करें, यहाँ पे क्या है रिजल्ट इंटू 10 प्लस में क्या हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर एस की वैल्यू यानी 2 का एस की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 50 में से 0 के एस की वैल्यू यानी 48 को माइनस किए तो क्या हो जाएगा प्लस 2, इक्वल टू हो जाएगा मेरा 42। तो इस तरह क्या हो जाएगा पूरा रिजल्ट वाला जो मेरा कैलकुलेशन है वो वर्क कर रहा है। सिंपल हमें क्या करना है, ध्यान रखना है प्रोग्राम में एक एक स्टेप क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चेक करना है स्ट्रिंग में कैरेक्टर है या नहीं, अगर नहीं है तो देन रिटर्न 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और सबसे पहले चेक करेंगे मेरा साइन प्लस है या माइनस है। अगर प्लस साइन है और सिंगल कैरेक्टर है यानी सिर्फ प्लस साइन है तो रिटर्न 0। फिर हम माइनस कैरेक्टर में आएंगे, अगर माइनस कैरेक्टर है और सिंगल माइनस कैरेक्टर है तो रिटर्न 0, अगर नहीं सिंगल माइनस कैरेक्टर नहीं है आगे भी कैरेक्टर है तो देन साइन को हम चेंज कर दिए माइनस से। जैसे ही आगे आएंगे और हम चेक करेंगे मेरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं, अगर डिजिट नहीं है तो देन ब्रेक करेगा, और डिजिट अगर है तो उस कंडीशन में पूरा कैलकुलेशन करेगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, अगर माइनस मेरा स्टार्टिंग में है तो उसको हम क्या किए हैं रिजल्ट इनटू साइन यानी टोटल माइनस हो जाएगा, अगर माइनस नहीं है तो देन मेरा रिजल्ट सेम रहेगा प्लस में रहेगा। इस तरह हम फिर चेक करेंगे क्या है रिजल्ट मेरा रेंज में है या नहीं, अगर रेंज में है तो देन रेंज में है तो रिजल्ट आउटपुट देंगे, नहीं है तो जो मेरा प्लस रेंज के बाहर अगर हो रहा है तो प्लस रेंज का जो लास्ट 32 बिट है 2^31-1 उसको रखेंगे, और माइनस रेंज के बाहर जा रहा है तो -2^31 को रखेंगे। इस तरह हम आसानी से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।